देश में भ्रष्टाचार को लेकर कानून है और अलग से विभाग भी हैं जो इसे रोकने की कोशिश करते हैं। देश में एक आईएएस अधिकारी का अलग ही भौकाल होता है। लाखों छात्र आईएएस बनने की सोचते हैं लेकिन सब बन नहीं पाते। जो बनते हैं उन्हें समाज में अलग इज्जत मिलती है जो पैसों वालों से कहीं ज्यादा होती है। लेकिन यही आईएएस ऑफिसर जब पैसों के लिए घूस लेते हुए कोई स्कैम करते हुए पकड़े जाते हैं तो सिर्फ इनकी ही किरकिरी नहीं होती, ये इस पद पर भी दाग लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। भ्रष्टाचार के एक मामले में बिहार कैडर के एक आईएएस अधिकारी रमेश अभिषेक पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर घर की तलाशी भी ली, जिस मामले का निपटारा उन्होंने सेवा में रहते किया था। रिटायर होने के बाद एक दर्जन से ज्यादा निजी कंपनियों से परामर्श शुल्क के रूप में करोड़ों रुपए लेने का आरोप रमेश अभिषेक पर लगा हुआ है। जांच एजेंसी ने उनकी बेटी वेनेसा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। 1982 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी अभिषेक 2019 में DIPPT से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने एक निजी कंपनी में सेवा दी। वह DIPPT के सचिव पद रह चुके हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है जिसका ब्यौरा अभी तक उनके पास नहीं है। लोकपाल भी अभिषेक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जाँच कर रहा है। CBI के FIR के मुताबिक सेवानिवृत्ति के बाद 15 महीनों में अभिषेक को 2.7 करोड़ की फीस मिली जो उनकी लास्ट सरकारी सैलरी यानी कि 2.26 लाख रुपए से 119 गुना ज्यादा है। CBI की जांच में पता चला है कि पद पर रहते हुए अभिषेक ने करीब 16 कंपनियों को फायदा पहुंचाया। रमेश अभिषेक भी पेटीएम के 3 स्वतंत्र डायरेक्टर्स में से एक हैं जो फिलहाल RBI की जांच का सामना कर रहे हैं। लेकिन पेटीएम के साथ रमेश अभिषेक का क्या कनेक्शन है उसके बारे में भी जान लीजिए। सचिव के रूप में सेवाएं देते हुए रमेश अभिषेक ने कथित तौर पर मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को IPO लाने में मदद की थी। तब वो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी के लिए नीतियां बनाने वाले विभाग में थे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और व्यापार को आकर्षित करने के लिए FDI के उदारीकरण की पहल को लागू करने में भी वो सक्रिय थे। रमेश अभिषेक के खिलाफ जांच फिलहाल चल रही है, सभी मामले कोर्ट में हैं। हालांकि अभिषेक का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। रमेश अभिषेक भले ही आरोपों को बेबुनियाद बताएं लेकिन वो इस मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। 2 फरवरी 2022 के एक आदेश में लोकपाल ने कहा था कि रमेश के खिलाफ लग रहे आरोपों को मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते, इसे सख्ती से निपटाना चाहिए। लोकपाल ने तभी ये मामला ईडी को भेज दिया था। शुरुआती ईडी रिपोर्ट के आधार पर लोकपाल ने 3 जनवरी 2023 को एजेंसी को आगे की जांच का निर्देश दिया था। अभिषेक रमेश ने उन आदेशों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने मई 2023 में लोकपाल की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अब रमेश CBI के शिकंजे में और भी फंसते चले जा रहे हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।